आँख। दोस्तों आँख हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिससे हम उगते हुए सूरज को भी देख सकते हैं और डूबते हुए सूरज को भी देख सकते हैं, उड़ते हुए पंछी को भी देख सकते हैं और गिरते हुए बारिश को भी देख सकते हैं। यानी कि आज हम जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आँख के वजह से संभव हो पाया है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी आँखों से ना कि सिर्फ पास की चीजें देखी जा सकती है बल्कि अंतरिक्ष में दूर मौजूद अरबों खरबों किलोमीटर तक के तारों को भी हम आसानी से हमारी आँखों से देख सकते हैं। दोस्तों दिन में हम हमारे सूरज को अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूरज से डायरेक्ट आने वाली रोशनी हमारी नाजुक सी आँखों को डैमेज कर देती है। दोस्तों अक्सर दिन में हम सूर्य की प्रकाश की वजह से हर एक चीज को आसानी से देख सकते हैं और वही रात की बात करें तो अगर लाइट का आविष्कार ना हुआ होता तो हमें सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ भी महसूस नहीं होता। दोस्तों इस तरह आपको यह पता चल ही गया होगा कि किसी भी वस्तु को देखने पहचानने और समझने के लिए आँख से ज़्यादा लाइट का महत्व है। तो हम इसी लाइट से जुड़े एक सवाल को तलाशने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों दिन में हम जब आसमान में अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमें नीले रंग का आकाश दिखाई पड़ता है, वो हमें सूरज से आने वाली रोशनी की स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर उसी आसमान को हम रात में देख ले तो हमें हर तरफ काला अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है जबकि उस समय भी सूरज अंतरिक्ष में रोशनी उत्सर्जित कर रहा होता है फिर भी हमें अंतरिक्ष काला ही नजर आता है। तो यह अंतरिक्ष यह स्पेस हमें काला ही क्यों नजर आता है, इसी सवाल के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से तलाशने की कोशिश हम करने वाले हैं। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डीबी नॉलेज के इस एपिसोड में। दरअसल दोस्तों इस सवाल का जवाब हमारे देखने के प्रक्रिया में ही छुपा हुआ है। जैसे कि हम रोशनी को तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारी आंखें उस रोशनी को अवशोषित न कर ले। यानी कि कोई चीज हम तभी देख पाते हैं जब उस चीज पर प्रकाश टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँच जाता हो। इस फिजिक्स के नियम को इस तरह समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हम इसे बहुत ही आसान तरीके से और एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसे ऐसे समझो कि अगर हम अंधेरे कमरे में गए जहां कोई भी लाइट की मौजूदगी नहीं हो और हमारे साथ हम एक टॉर्च भी लेकर गए और उस टॉर्च को अंधेरे कमरे में ऑन किया तो टॉर्च से निकलने वाली रोशनी हमारे आँखों तक सीधी नहीं पहुँच पाती है फिर भी हम देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी कमरे में फैल रही है। दोस्तों ऐसा इसलिए हो पाता है कि जब वो रोशनी कमरे में किसी दिशा में जाती है तो वहाँ पर मौजूद धूल के कणों से वह टकरा कर प्रतिबिंबित होती है यानी कि रिफ्लेक्ट होती है और वही प्रतिबिंबित रोशनी हमारी आँखों तक पहुँच जाती है जिससे हम महसूस करते हैं कि टॉर्च रोशनी फैला रहा है। दोस्तों ऐसा ही कुछ पृथ्वी के वायुमंडल में भी होता है। जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल और कणों से टकरा कर प्रतिबिंबित होती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है जिससे हमें दिन होने का एहसास होता है। यानी कि अगर कमरे में धूल की या कोई कण की मौजूदगी ना हो तो हमें केवल दीवार से टकरा कर लौटने वाली रोशनी ही दिखेगी और ऐसे में अगर दीवार भी ना हो तो वो प्रतिबिंबित रोशनी हमारी आंखों तक लौटेगी ही नहीं, तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों यही हाल हमारे अंतरिक्ष का भी है। अगर हम जब सूर्य के साथ साथ आसपास के अंतरिक्ष को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अंतरिक्ष अंधकारमय दिखाई पड़ता है। वैसे तो सूरज से आने वाले लाइट की इंटेंसिटी के कारण आसपास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा दिमाग उस जगह को अंधेरे से भरी जगह समझ लेता है और इसी तरह अंतरिक्ष में सूर्य हमें तभी दिखाई देता है जब हम उसकी ओर देखते हैं और उसकी रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचती है।
यहाँ पर दिखाई देना या दिखाई ना देना ये पूरा लाइट के ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में सिर्फ वैक्यूम ही वैक्यूम है, वैसे तो पूरा स्पेस खाली नहीं है। अंतरिक्ष में हीलियम, हाइड्रोजन, कॉस्मिक रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मात्रा सबसे ज्यादा है और बहुत ही कम लेवल पर धूल के कणों का यानी कि डस्ट पार्टिकल्स का बसेरा है। तो दोस्तों यही वो वजह है कि अंतरिक्ष हमें काला या अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई देता है। हकीकत तो ये है कि अंतरिक्ष एक ऐसा कमरा है जिसके ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई दरवाजा। दोस्तों जब हम चंद्रमा, गुरु और अन्य ग्रहों को देखते हैं तो वास्तव में हम वहाँ से टकराकर लौटने वाली सूर्य की रोशनी को ही देख पाते हैं। और वही हम अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए तारों को टेलीस्कोप की मदद से देखें तो हमें या हमारे टेलीस्कोप को वही तारे नजर आते हैं जिनकी रोशनी अरबों खरबों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हमारे टेलीस्कोप तक आती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यही वो तरंगे हैं जो कई प्रकाश वर्ष का सफर करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। और हमारे पास जो एक्सरे, रेडियो प्रकाशीय और इन्फ्रारेड तरंगों के टेलीस्कोप है उनसे आकर यह तरंगे टकराती है। जिस तारे या ग्रह से जितनी ज्यादा लाइट आकर टेलीस्कोप से टकराएगी उतनी ही ज्यादा जानकारी हमें उस ग्रह या तारे के बारे में मिलती जाएगी। आज हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके इन्हीं बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद से नए नए ग्रह की खोज कर रहे हैं। आज हमारे पास जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप जैसे एडवांस टेलीस्कोप है जिनकी मदद से हमने अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था कारण हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देने का। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और प्रकाश के प्रतिबिंबित होने के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।